लॉकडाउन के बीच लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच धनबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जामतारा जिले में सीएसपी का संचालन करने वाले प्रकाश मंडल से कुछ अपराधियों ने 60,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद धनबाद के गोविंदपुर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और अब तक एक अपराधी फरार चल रहा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 बाइक, 3 मोबाइल और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए सिटी एसपी आर रामकुमार ने बताया है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा है। दिनांक 9/5/20 एक वादी था प्रकाश मंडल जा रहा है, मतलब जीटी रोड बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में पैसा निकासी कर रहा है। बाहर आ रहा है, उसमें एक आदमी आ रहा है, वो तो बोल रहा है आप साइबर अपराधी हैं, ये आपको जेल भेजेंगे। तो ऐसे बोलकर अभी वेट करिए, छोटा बम आ रहा है। इसी बीच में 3 और लड़का लोग आया है, बाइक में आया था और इन दोनों और इसके साथ और एक उसका फ्रेंड आया था, उसको भी लेकर गया है। लेकर गया, पहले इन्होंने निकासी किया 30,000, उसको ये लोग छीन लिया है, मतलब फोर्स यूज करकर इसको छीन लिया है। और उसके बाद ये आ रहा है थोड़ी देर पलटन टाउन के पास आकर और 28,000 मतलब इसे निकासी, मतलब उसका कार्ड और उसका और एटीएम पिन नंबर सब कुछ का इनसे और पैसा छीन लिया, मतलब निकासी कर लिया। टोटल 60,000 इन लोग ने ले लिया। यही है, ये चारों लोग मिलकर इन लोग को भय दिखाकर इन लोग से पैसा छीन लिया है। बेसिकली ये लोग जामताड़ा से आया है, ये लोग कस्टमर सर्विस पॉइंट में काम करने वाले हैं और इन लोग को साइबर अपराधी के नाम से लगाने पैसा छीन लिया। जो 4 लड़के पकड़े गए हैं वो कौन कौन हैं? वो 3 लड़का अभी पकड़ा है, एक आदमी अभी पकड़ा था। 3 लड़के ये लोग गैडरा के रहने वाले हैं, प्रेस ब्रीफिंग में है। इन लोग का नाम आफ्ताब अंसारी, सोहेल अहमद और मोहम्मद इश्तिहार अंसारी है। पैसे भी बरामद हुए हैं? 10,000 पैसा बरामद हुआ है, 2 बाइक्स बरामद हुआ है, एटीएम कार्ड और उसके बाद मोबाइल, 3 मोबाइल बरामद हुआ। और सीसीटीवी के माध्यम से हमारा टीम में इंस्पेक्टर गोविंदपुर में नेतृत्व है और डीएसपी हेडक्वार्टर्स को भी मॉनिटर कर रहा था और बढ़िया से लोग प्रशिक्षु किए, ऐसे लोग भी पूरा टीम मेहनत करता तो बढ़िया से। आपको बता दें कि 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक अपराधी की तलाश जारी है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ डेस्क।